बहुत ही धूमधाम से विशाल और सोनम का विवाह संपन्न हुआ और सोनम विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। वह घर किराए का था और बहुत छोटा था, इसलिए मेहमानों के रुकने की व्यवस्था होटल में की गई थी और कुछ रिश्तेदार तो दुल्हन के आने के बाद अपने घर भी लौट चुके थे। विशाल अपने मम्मी पापा के साथ रहता था और उसके दादा दादी आधे घंटे की दूरी पर ही अपने पुश्तैनी मकान में रहा करते थे। वो मकान बहुत बड़ा था और मकान के पीछे काफी खुली जगह भी थी। विशाल हमेशा अपने दादा दादी का घर बहुत मिस किया करता था, क्योंकि उसे यहाँ किराए के छोटे से बंद मकान में जरा भी अच्छा नहीं लगता था। उसकी शादी में उसके दादा दादी भी आए थे, लेकिन वह लोग भी मेहमानों की तरह ही शाम को अपने घर चले गए थे। विशाल अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था, लेकिन चाह कर भी उन्हें कुछ दिनों तक अपने यहाँ रोक कर नहीं रख सकता था। खैर, सुहाग रात के लिए उसका कमरा सजा दिया गया था। सोनम और विशाल रात भर एक दूसरे से बातें करते रह गए। अगली सुबह सोनम की नींद जल्दी नहीं खुली। विशाल उठकर अपने कमरे से बाहर आया तो उसकी माँ संध्या जी ने उसके सामने गोभी के पराठे परोसते हुए कहा, देख बेटा, मैंने तेरा मन पसंद का पराठा बनाया है, बहू को भी उठा दे, वह भी नाश्ता कर लेगी। विशाल कहने लगा, माँ तुमने मेरे लिए नाश्ता क्यों बनाया? सोनम रात को कह रही थी कि वह सुबह मेरे लिए पकौड़े बनाएगी, अब वह उठेगी तो उसे बुरा लग जाएगा ना। यह सुनकर संध्या जी हैरान रह गई और कहने लगी, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा, रोज तो मैं ही तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। विशाल लापरवाही से कहने लगा, माँ अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मेरी शादी हो गई है और शादी के बाद मैं पति के किरदार में आ चुका हूँ, और वैसे भी माँ सुहाग रात के बाद अब मैं केवल अपनी पत्नी का हूँ। एक ही रात में नई बहू ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया था, ये संध्या जी को समझ नहीं आ रहा था। पीड़ा के मारे उनके आंसू बहने लगे। तभी बेटे ने रुखाई से कहा, और एक बात सुन लो माँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं इस घर में रहूं तो तुम्हें अब मुझसे एक निश्चित दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि अगर मेरी पत्नी को तुम्हारी कोई बात बुरी लग गई और वह नाराज हो गई तो फिर मैं बीच में फंस जाऊंगा। संध्या जी तड़प उठी और कहने लगी, बेटा ये तू क्या कह रहा है, मैंने तो सोचा था कि तेरी शादी करवा दूंगी, बहू लेकर आऊंगी, मुझे बहू का सुख मिलेगा, तू भी अपनी गृहस्थी बसाएगा, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था बेटा, हम सभी कितने खुश हैं, लेकिन एक ही रात में बहू ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कह दिया कि तू ऐसी बातें कर रहा है। तू बता, अगर बहू को कोई गलतफहमी हुई है या उसे हमसे कोई परेशानी है तो हम आपस में बैठकर बातचीत कर लेते हैं, लेकिन तेरा ऐसा व्यवहार मुझे भीतर तक तोड़ रहा है। कहते कहते वह रोने लगी। विशाल कहने लगा, उफ माँ अब ये रोने धोने का नाटक मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी आप आंसू बहाकर मेरा ब्रेन वॉश नहीं कर सकती। यह शब्द सुनते ही अचानक से संध्या जी की आंखों से बहते हुए आंसू रुक गए और वह हैरानी से अपने बेटे की ओर देखने लगी। विशाल बोल पड़ा, क्या हुआ माँ, मैं कुछ गलत बोल गया क्या? आप भी तो पापा से यही कहती थी ना कि तुम्हारी माँ आंसू बहाकर तुम्हारा ब्रेन वॉश करना चाहती है, अगर उस समय दादी के आंसू आपको दिखावा लगते थे तो फिर आज आपको भी अपने आंसू दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। संध्या जी का सिर चकराने लगा। वह पास पड़े हुए सोफे पर धम्म से बैठ गई। उनके होंठ कांप रहे थे लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। विशाल उनकी मनस्थिति अच्छे से समझ रहा था। वह धीरे से बोला, माँ याद है आपको, ऐसे ही आपने धीरे धीरे दादी को भी पापा से दूर करने की कोशिश की। दादी जब कोई भी खाने पीने की चीज पापा के लिए बनाती थी तो आपको कितना तेज गुस्सा आ जाता था। पापा अगर दादी के बनाए हुए खाने की तारीफ कर देते थे या उनसे कभी कोई फरमाइश कर देते थे तो आप पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। आप ऐसा क्यों करती थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने यही देखा कि आप पापा को दादी के साथ बांटना ही नहीं चाहती थी। दादाजी और दादी पापा से कितना प्यार करते हैं, मैंने उन लोगों को पापा के लिए छुप छुप कर रोते हुए देखा है। आखिरकार आपने जिद पकड़ ली कि आपको उन लोगों के साथ नहीं रहना है, और तब मजबूर होकर दादा दादी ने भी पापा से कहा कि तुम अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो और हम लोग यहाँ रहने के लिए चले आए। आधे घंटे की दूरी होने के बावजूद भी हम सालों साल दादा दादी से मिलने के लिए नहीं जाते हैं, वह लोग भी यहाँ आने से हिचकिचाते हैं, और पापा अगर अकेले भी उन लोगों से मिलने के लिए चले जाते हैं तो आप घर में तांडव मचा देती हो। जो आप लोगों के साथ हुआ है मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भी हो, इसलिए मैं आपको पहले दिन से ही बता देता हूँ कि आप मुझसे एक निश्चित दूरी बनाकर रखो, मुझ पर ज्यादा अधिकार भाव मत जताओ, वरना अगर कल को मेरी पत्नी के मन में भी यह भावना आ गई कि मेरा पति सिर्फ मेरा है, वह मुझे आप लोगों के साथ बांटना पसंद नहीं करेगी, तो फिर मुझे भी आप लोगों की तरह ही यह घर छोड़कर कहीं और अपनी गृहस्थी बसानी होगी। माँ जब किसी की शादी होती है और नए रिश्ते जुड़ते हैं तो परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती है, लेकिन हमारे घर में तो एक अजीब सी रीत है कि घर को तोड़कर बड़े बुजुर्गों से अलग रहा जाए, अगर मुझे भी यही सब करना पड़ा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप अपने दायरे सीमित करके रहें ताकि कल को मेरी पत्नी को आपकी कोई बात बुरी ना लग जाए,
और वह अलग होने की जिद पकड़कर ना बैठ जाए। संध्या जी की आंखों से झर झर आंसू बह रहे थे। आज उन्हें अपनी सास का दर्द अच्छे से महसूस हो रहा था कि जब शादी होने के बाद बेटा माता पिता से दूर हो जाए तो कितना दर्द होता है, और उन्होंने तो खुद जानबूझकर एक बेटे को अपने माँ बाप से दूर कर दिया था। वह सहन ही नहीं कर पाती थी कि कोई और उनके पति को प्यार दुलार दे। उन्हें लगता था कि उनके पति पर केवल उनका ही अधिकार है। इस चक्कर में उन्होंने अपने पति को भी माता पिता के प्रेम से वंचित कर दिया था। आज जब यही सब उन पर बीत रही थी, तब उन्हें अपने पति के दर्द का अंदाजा भी हो रहा था और अपनी सास की तकलीफ भी उन्हें समझ में आ रही थी। संध्या जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दूरी बनाकर रखूं तो फिर मैं ऐसा ही करूंगी। मुझे नहीं पता कि बहू की सोच कैसी है, हो सकता है कि तुम्हारी बात सही भी हो। मैं तुम पर ज्यादा अधिकार भाव जताऊं तो बहू को बुरा लग सकता है और हमारे रिश्ते भी बिखर सकते हैं, इसलिए अब मैं कभी भी तुम पर प्यार और ममता लुटाने की कोशिश नहीं करूंगी। लेकिन मैंने जो गलती की है उसे मैं जरूर सुधार लूंगी। तुम्हें और बहू को कहीं और जाकर अलग गृहस्थी बसाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग यहाँ आराम से रहो, मैं तुम्हारे पापा के साथ अब तुम्हारे दादा दादी के यहाँ रहने के लिए जाऊंगी और अपनी गलतियों को सुधार कर उनसे माफी मांगूंगी, और जो वक्त बीत गया उसके बदले में अब बदलाव लेकर आऊंगी। कहते कहते उनका गला भर आया। पीछे खड़े विशाल के पिता नरेश जी भी भावुक हो गए थे। उन्होंने आकर संध्या जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या आप सच में मेरे माता पिता के साथ रहना चाहती हैं? संध्या जी ने नम आंखों से सहमति में सिर हिला दिया और बोली, हाँ जी, बच्चों को उनकी जिंदगी जीने देते हैं और हम घर चलते हैं। तभी सोनम कमरे से निकल कर बाहर आई और अपनी सास की हथेली थामते हुए बोली, मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आप लोगों के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। विशाल भले ही आज मेरे पति बन चुके हैं, लेकिन ये आपके बेटे भी हैं। मैं भी तो आपके घर की बहू बन चुकी हूँ, किसी की पत्नी हूँ, लेकिन मैं बेटी भी हूँ। मुझे मेरे मम्मी पापा का प्यार भी चाहिए, और उसी तरह विशाल को भी अपने माता पिता का प्यार मिलना चाहिए। शादी होने के बाद लड़के और लड़की को बहुत सारे नए रिश्ते मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पुराने रिश्तों का अधिकार खत्म हो जाता है। संध्या जी आंखें फाड़ कर बहू का चेहरा देख रही थी और सोच रही थी कि काश मेरी सोच भी इतनी अच्छी होती तो मेरे परिवार को इतने दिनों तक तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ता। मेरे सास ससुर इतने दर्द में ना होते, मेरे पति और बेटे की नजरों में मैं गलत ना होती। उन्होंने अपनी नजरें झुका ली तो विशाल उनके पास आकर बोला, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपको बहुत कुछ सुना दिया ना, लेकिन वह सब बस एक नाटक था ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो सके। मैं आज भी आपका बेटा हूँ और मुझ पर आपका पूरा अधिकार है। मैं आपसे फरमाइश भी करूंगा और शिकायत भी करूंगा। आप मुझे डांट भी सकती हैं और मेरी पसंद का खाना बनाकर मुझे खिला भी सकती हैं। मैं तो बस आपको दादा दादी और पापा के दर्द का एहसास करवाना चाहता था। संध्या जी ने आगे बढ़कर प्यार से अपने बेटे बहू को गले से लगा लिया। आज उन दोनों ने मिलकर संध्या जी को जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। विशाल धीरे से बोला, माँ, अब हमें इस किराए के घर में रहने की जरूरत नहीं है। हम सभी लोग मिलकर दादा दादी के पास वापस चलते हैं और सभी एक साथ मिलजुल कर प्यार से रहेंगे। फिर देखना वो लोग कितना खुश हो जाएंगे। संध्या जी ने नम आंखों से सहमति में सिर हिला दिया और पूरा परिवार मुस्कुरा उठा। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके बाद संध्या जी पूरे परिवार के साथ मिलकर सारा सामान समेटने लगी ताकि वह अपने सास ससुर के पास जाकर अपनी बिखरी हुई खुशियों और रिश्तों को समेट पाए। दोस्तों, शादी होने का मतलब ये नहीं होता है कि लड़के और लड़की के पुराने सभी रिश्ते समाप्त हो जाएं। नए रिश्तों की खुशबू जीवन को महकाने के लिए होती है, ना कि पुराने रिश्तों को तोड़ने के लिए। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और नई कहानियों के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।